हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए क्लास टेंथ एनसीईआरटी साइंस। इसमें हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का डिस्कस प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के चैप्टर चल रहा है अध्याय 10 पर। आज के लेक्चर में हम आपको रिलेशन के बारे में यानी वक्रता त्रिज्यता फोकस दूरी, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच क्या संबंध है, इनमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी कैपिटल आर और स्मॉल एफ में हमारा क्या रिलेशन है, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध। तो सिंपली यहाँ पर आपको हेडिंग जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण के लिए सीखेंगे। अवतल दर्पण के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह सिरा M1 और यह सिरा M2, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यह पोल होता है ध्रुव, और यह हमारा मुख्य अक्ष है। मान लीजिए हमारा इन्फाइनाइट अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो रही है, आ रही है इस पर। तो यह आप जानते हैं दर्पण से परावर्तन पश्चात जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ये फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से इसको मिला देंगे तो यह हमारा अभिलंब मिल जाएगा। यह अभिलंब होता है, यह परावर्तित किरण है, यह आपतित किरण, इसका नेमिंग कर दें, इसका नामकरण कर देते हैं। तो यह ए बी दर्शा दिए इसे ए बी, और ये आपतित किरण यानी यह हमारा इंसिडेंट रे है और यह नॉर्मल है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपको बताया गया है, इनके बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बताया गया है परावर्तन कोण। यह हो गया। अब आप देखिए यह हमारा अभिलंब है, ध्यान देंगे आप, आपको बताया गया जो हमारा गोली दर्पण है उत्तल एवं अवतल, यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी जो इसका सेंटर यह है, और कहीं से मिलाएंगे हम इसे, हमने आपको इस प्रकार समतल पृष्ठ लिया था, इस पर पॉलिश कर दिया था, तो ऐसे किरण आ रही थी आपतित किरण, इस प्रकार हमारा यहाँ अभिलंब नॉर्मल हो गया था और यह परावर्तित किरण हो गई थी। तो यह अभिलंब इस पर आपको पता चल रहा था 90 डिग्री पर, तो यहाँ से 90 डिग्री जो हमें क्लियर करना है, आप ध्यान में रखेंगे सेंटर से हम इस पर जब कोई किरण डालेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो यह जो लाइन खींची जाएगी यहाँ पर इस प्रकार कहीं से भी खींचें, तो यह इस कर्व पर, एक कर्व है ना, इस कर्व पर जो है यह 90 डिग्री बनाएगा, कितने डिग्री 90 डिग्री, तो यह इस पर अभिलंब होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर क्या बताया गया, यहां पर कहा गया कि एक अवतल दर्पण है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसके सिरे क्या है M1 M2, तथा इसका ध्रुव P है जिसका वक्रता केंद्र C है, इस पर एक आपतित किरण AB, इस पर ए बी किरण जो है क्या हो रही है, प्रकाश किरण ए बी आपतित हो रही है जो बिंदु बी पर दर्पण से टकरा रही है, बिंदु बी से टकरा कर वो फोकस एफ से होकर चली जा रही है, निकल जा रही है, और इसके वक्रता केंद्र से एक लाइन ड्रा कर दिए परपेंडिकुलर जो हमारा नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वह आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वह हमारा परावर्तन कोण है। तो यह आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये जो बी सी लाइन खींची गई आपको बताया गया क्या है, अभिलंब है। तो फिगर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चित्र से हमें देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यह जो एंगल हमारा है प्रकाश परावर्तन के नियम से जानते हैं जो आई है वो आर क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ के, क्यों इक्वल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट नोट कर लीजिए क्यों इक्वल है, तो आप लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, क्योंकि आप जानते हैं एंगल आई इक्वल क्या होता है, एंगल आर होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखते हैं
जो रेखा हमारी ए बी लाइन है, ए बी पैरेलल है किसके, पैरेलल सिंबल है, पैरेलल है सी पी के। क्यों? तिर्यक रेखा जो हमारी है ये आपको दिखाई दे रही है बी सी, जो दर्पण पर लंब काम कर रही है। तिर्यक रेखा बी सी इसे काटती है या मिलाती है, काटती ली दीजिए या मिलाती है। तो आप जानते हैं, आपको मैथमेटिक्स में बताया गया है कि जब दो समांतर रेखाओं की, हमारी दो समांतर रेखाएं हैं जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो इनके बीच एक कोण जो बनता है, यह कौन सा कोण होता है, एकांतर अंतर कोण होता है, इंटीरियर एंगल। तो एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यह आपको जानकारी दी गई है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से एंगल, यहाँ देख रहे हैं यह पॉइंट कहाँ जा रहा है, यह बी है, इसकी कटिंग दिखाई जाती है, यह हमारा क्या सी पॉइंट है। तो यह एंगल इस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हमारा समीकरण नंबर दो हो गया। क्यों बराबर होंगे, तो आप ब्रैकेट नोट कर लीजिए, यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण। आगे बढ़िए, यह जब एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो आप देख रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी इक्वल किसके, सी बी एफ के। यहां भी ए बी सी किसके इक्वल है, बी सी एफ के। यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण एक और दो से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसको देखते हैं। तो आप देख लीजिए यहां पर एंगल सी बी एफ इक्वल है किसके, एंगल बी सी एफ के। यह एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए बी सी है वह सी बी एफ की इक्वल है, और ए बी सी किसके इक्वल है, बी सी एफ के। तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे देखिए, जब यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी सी बी एफ, सी बी एफ किसके इक्वल हो गया, बी सी एफ के, बी सी एफ के। यानी इस त्रिभुज में बात किया रही है, तो यह जब दो कोण अपोजिट कोण जो आपस में बराबर हो जाते हैं, जब त्रिभुज के दो विपरीत कोण बराबर हो, तो उनकी भुजाएं जो है सामने की, वह भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में क्या मिला हमें, जो सी एफ है या एफ बी जो हमारा है, एफ बी इक्वल है किसके, सी एफ के। यह हमारा इक्वेशन बन गया, थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया, यह इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। ब्रेक आप लिख देंगे यहाँ पर, किस कारण से इक्वल दिखाए हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज की समान कोणों की, त्रिभुज के समान कोणों के, समान कोण जो हमारे हैं उनके सामने की भुजा, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, भुजाएं भी क्या है, समान होती हैं। देखिए, यह हमारा इस त्रिभुज को निकालते हैं बाहर, ये इस प्रकार बना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट एफ है। तो यह एंगल और यह एंगल, जब एंगल बी हमारा एंगल सी की क्या है, इक्वल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सामने भुजा यह है एफ बी, और इसके इस कोण के सामने भुजा यह भुजा है सी एफ। यह आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल जाएंगी। ये बात आप क्लियर हो गया, तो एफ बी किसके इक्वल, सी एफ के। अब आगे देखते हैं, यदि जो हमारा यह मिरर है, दर्पण, इसका एपर्चर यानी कि द्वारक जो इसका ओपनिंग है वह कम हो जाए, यानी द्वारक छोटा हो, जब द्वारक छोटा हो, यह एक छोटा सा द्वारक का दर्पण बनाते हैं, छोटे द्वारक का दर्पण आपने बना लिया, और यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यह हमारा पोल है यानी ध्रुव है, तो यह जो रे आएगी यहाँ से, इसकी समांतर अक्ष, जो हमारा मुख्य अक्ष है, इसकी समांतर जो किरण आएगी वह नज़दीक हो जाएगी, तो इस प्रकार जाएगा, तो ये हमारा फोकस होता है, ये फोकस है ना, तो फोकस ये हमारा कौन सा पॉइंट, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ये एफ बी जो हमारा है वह एफ बी क्या हो जाएगा, इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी निकट जाने पर, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, तब हमारा जो बिंदु बी है वह कहाँ चला जाएगा, पी के
निकट हो जाएगा। यहाँ आप नोट कर लीजिए, यदि यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब बिंदु बी, कौन सा बिंदु, बिंदु बी जो हमारा है वह किसके पास हो जाएगा, पी के पास चल जाएगा ध्रुव के। बिंदु बी ध्रुव पी के निकट होगा, क्या होगा, इसके निकट होगा। तो आप लिख सकते हैं जब निकट होगा तो दूरी दोनों की समान हो जाएगी, ये डिस्टेंस जो यहाँ से है। यहाँ लिख सकते हैं एफ बी, एफ बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एफ पी, एफ बी इज इक्वल टू एफ पी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है एफ बी जो हमारा है वो सी एफ क्या है, इक्वल है, और एफ बी ही हमारा एफ पी के इक्वल है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसे, ये सबको कर देते हैं इरेज, आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th क्या दिखाई दे रहा हमें, तो यहाँ से लिख सकते हैं सी एफ, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5 तक हो गया है, ये हमारा हो गया क्या 6। अब आगे देखिए, ये सी एफ हमारा किसके इक्वल हो गया, एफ पी के, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए, और टोटल हमारा सी पी है, तो लिख सकते हैं अतः सी पी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सी पी इक्वल हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एफ, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं, रख दीजिए। यह जो हमारा है फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी है, हमारी फोकस दूरी होती है, और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी आपको बताई गई है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, इसे कैपिटल आर से शो किया गया था। तो यही एफ और आर के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए सी पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सी एफ, सी एफ की डिस्टेंस के बारे में जानकारी हमें नहीं है, इसलिए सी एफ के स्थान पर क्या देंगे, एफ पी लिख देंगे, क्योंकि एफ पी की जानकारी हमें है। तो यहाँ से हम सी एफ के स्थान पर क्या लिख देंगे, एफ पी, किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 6 से, तो एफ पी प्लस एफ पी, यह मिल गया हमें। अब देखिए सी पी इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ पी प्लस एफ पी, यानी 2 एफ पी, क्लियर है बात। आगे देखिए सी पी, सी पी वैल्यू क्या है, आर है, और आपको मैंने यह भी बताया चिन्ह परिपाटी के नियम में, साइन कन्वेक्शन रूल में मैंने आपको समझाया कि जो दर्पण का ध्रुव है इसके बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ निगेटिव साइन के साथ, और दाहिनी तरफ की दूरियां पॉजिटिव चिन्ह के साथ यानी धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, दाहिनी तरफ के पॉजिटिव साइन और बाईं तरफ निगेटिव साइन। तो ये हमारा बाईं तरफ है, सब क्या होंगे, निगेटिव फॉर्म में, निगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे, तो यहाँ पर इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आर हमारा है तो क्या हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू 2 यहाँ माइनस एफ, स्मॉल एफ है, कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल एफ। तो आगे देखिए यहाँ से माइनस 2f, माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू हम ले सकते हैं आर बाई 2। यह रिलेशन हमें मिल गया, यह हमें क्या मिल गया, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हमें प्राप्त हो गया। और आप ध्यान देंगे जो वक्रता त्रिज्या हमारी है वह, जो फोकस दूरी हमारी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी आ गई, यानी फोकस दूरी आधी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। तो एफ इज इक्वल टू आपने यहाँ पर डिराइव कर दिया आर बाई 2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगा। तो सिंपल में आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको यह बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।